जो आप ये टोटल कब्र देख सकते हैं, जो ये कब्र पे किस तरह बुलडोजर चलाया गया है देख सकते हैं। दिन से कब्रिस्तान होगा सर, बहुत जमाने से है, बापू दादा के पुरखे से है। बापू दादा के हटेगा रहेगा जी, हाँ रहेगा रहेगा, हाँ रहेगा जी। पीर बाबा एकदम मौला बाबा छथिन जी, से बुझत रहे छथिन, आ उखड़ जतै तो लोग एकदम मरतै से नहीं देखते कोनो, कोई नहीं देखते। मौजूदगी समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकीपुर में है, जो एक कब्रिस्तान देख रहे हैं, जो यहाँ पर से सिक्स लाइन यहाँ से गुजरा है और बीच सिक्स लाइन के बीच में ये कब्रिस्तान पड़ गया है, जो यहाँ पे आपको आदेश हुआ है कि ये कब्रिस्तान हटाने के लिए, जो यहाँ पर हम बहुत सारे ग्रामीण हैं और यहाँ क्षेत्र के लोग हैं जो सारी हम इनसे जानकारी लेते हैं। जो क्या नाम है आपका? उमारा जी। उमारा, उमाराय जी, उमाराय जी, यहाँ पे कब्रिस्तान कितना दिन से है? बहुत दिन से, हम लोग नहीं देखे हुए। आपकी उम्र कितनी है? करीब 62-63। 62-63 साल? हाँ। तो 62-63 साल पहले से ये कब्रिस्तान है? हाँ हाँ, कब्रिस्तान है जी जी। क्या नाम है चाचा? हमारा गोपीरा नाम है। गोपीरा, यहाँ पे आप ये आपकी उम्र कितनी है? उम्र अभी लगा लीजिए हमसे, हम क्या कहें, मान के चलिए 65-70। हाँ 65-70 साल हो गया। 65-70 साल की से ये पहले से कब्रिस्तान है या आजकल बनी है? नहीं, हम हमारा कल से बाहर का, हमारा कल से बाहर का है। आपके अकल से बाहर का, यानी 100 बरस पहले? अब जो हो, लेकिन हमारा कल से बाहर। आपकी अकल से बाहर का, बाहर है, बाहर का है। क्या नाम है चाची? चंपा ना है जी। चंपा, चंपा देवी। हाँ चंपा देवी जी, आपकी उम्र कितनी है? अब उम्र के तो हम नहीं देखे छी। उम्र कितनी है? अच्छा लमसम पद ये 60-70। हाँ, तो ये आपकी अकल में ये कब्र कब्रिस्तान था? हाँ आपकी अकल में। हाँ ये सब हम यार देखने छी। अब इसको हटाया जा रहा है, क्या ये सही हो रहा है हटाना? नहीं हटेगा रहेगा जी। हाँ रहेगा रहेगा, हाँ रहेगा जी। पीर बाबा एकदम मौला बाबा छथिन जी, से बुझत रहे छथिन, आ उखड़ जतै तो लोग एकदम मरतै से नहीं देखते कोनो, कोई नहीं देखेगा। हाँ एकदम बिहतानी है एठन पीर बाबा। आपका कहाँ घर है? हमर घर यह है, ये बगल में है। हाँ यानी ये 100-200 बरस पूरा, ये 100-200 बरस पुराना कब्रिस्तान है। हाँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंकड़ा आप लगा सकते हैं कब्रिस्तान का। यहाँ पे बहुत ग्रामीण है और यहाँ पे ये गरीब, टोटल गरीब मोहल्ला है यहाँ पे, जो ये एक छोटा मोहल्ला है जो बांकीपुर पड़ता है, जो यहाँ टोटल गरीब तबके के आदमी रहते हैं। और ये कब्रिस्तान आप देख सकते हैं, ये सिक्स लेन लाइन में ये कब्रिस्तान पड़ा है। कहाँ पे ये सबसे पुरानी आप कब्र देख सकते हैं, किस तरह ये कब्र पे बुलडोजर चलाया गया है। आप देख, कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलाया जा रहा, आप देख सकते हैं कितनी पुरानी कब्र है, जो इस पे डेट तारीख भी शायद लिखी होगी, जो हम आपको सारा दिखाते हैं, जो किस तरह यहाँ पे डेट तारीख लिखी होगी। यहाँ पे डेट तारीख आप नजर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको कब्र देख सकते हैं, जो यहाँ पे ये पूरा देख सकते हैं, जो ये सिक्स लेन यहाँ से गुजर गया, सिक्स लेन के बीच में ये कब्रिस्तान पर गया है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलडोजर आप देख सकते हैं सामने, जो बुलडोजर को दिखाइएगा, बुलडोजर यहाँ ये है और बुलडोजर चला गया, ये कब्रिस्तान मेरे ससुर का है। या आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 57 साल का। यहाँ पे कब्रिस्तान कितना दिन से है? बहुत दिन हो गया हमारे ससुर को डेट करे, बहुत दिन हो गया। हाँ। ये आपके ससुर की, मेरे ससुर जी का कब्र है, ये ससुर जी का कब्र है। हाँ। आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान है और यहाँ पे जो आप कब्र देख सकते हैं, ये पुराना कब्र है, जो यहाँ पे इस पे दीवाल मारा गया है इसलिए इसकी पहचान है। और आप देख सकते हैं ये टोटल जहीं तक आप जंगलात देख रहे हैं, ये सारा कब्रिस्तान है। आप देखा हुआ बुलडोजर से जोता गया है, तो हम लोग आए हैं तो मना यहाँ पे बुलडोजर चला है, ये जो ये साफ किया गया है बुलडोजर से, तो प्रशासन बोल रहे हैं कर्मचारी साहब कि हमसे नहीं आप जोतना दीजिएगा, तो हम प्रशासन लाएंगे, प्रशासन डंडा मारेगा जी, तो आपको तो पता चलेगा। ये आपको ये जो आपको हुआ, तो सीओ साहब भी यहाँ आए थे? सीओ साहब आए थे क्या? आज नहीं आए हैं, आज नहीं आए, पहले आए थे। पहले आए थे सीओ साहब, कहें कि पहले आपको धरा दिया जाएगा, किसी दूसरी जगह दिया जाएगा कब्रिस्तान के लिए, दूसरी जगह दे दिया जाएगा तभी साफ होगा। अच्छा ये जमीन प्राइवेट जमीन है या बिहार सरकार? बिहार सरकार कब्रिस्तान है, बिहार सरकार कब्रिस्तान है जी, मगर ये जमीन तो सारी तो आपको जहीं भी रोड गुजरता है बिहार सरकार से। हाँ। बिहार सरकार दिए गुजरा जाता है, तो ये आप लोग को कोई दूसरी जगह फिर कब्रिस्तान की जमीन नहीं है जी? नहीं है, हम लोग नहीं है, यही एक है जो यहाँ पर। आपका कौन सा गाँव पड़ता है? बांकीपुर पड़ता है। बांकीपुर का जो टोटल जो भी आदमी डेट करता है उसको यही दफनाया जाता है, इसके सिवा और कहीं जगह नहीं है। अब आप
देख सकते हैं यहाँ पे टोटल गरीब परिवार के मजदूर टाइप के आदमी हैं और इन लोग के पास कोई एक्स्ट्रा जमीन यहाँ पे है नहीं जो ये दूसरी जगह कहीं कब्रिस्तान की जगह को चुने और वहाँ शिफ्ट करें। आप देख जो आप ये टोटल कब्र देख सकते हैं, जो ये कब्र पे किस तरह बुलडोजर चलाया गया है देख सकते, आप टोटल कब्र को देख सकते हैं। आप देख सकते कितना दिन से कब्रिस्तान होगा, इस कब्रिस्तान कम से कम 150 साल पहले से है। 150 साल पहले यहाँ पे जो बुलडोजर चला किसके आदेश से चला है? अरे किसी का कर्मचारी आया हुआ था और किसी का आदेश नहीं है, पब्लिक इसको रोका गया कि अभी इस पर कब्रिस्तान है, आप जगह कहीं हमको चिन्हित करके दे दीजिए तो अब इस पर कुछ कीजिएगा। बलजोरी आकर के बुलडोजर लगा दिया गया इस पर, लोग पब्लिक लोग विरोध में आकर के रोके हैं तो कुछ उल्टा पुल्टा भी लोग बोले हैं क्या कि यानी हम जोत कब्रिस्तान को जोत देंगे तुम क्या कर लोगे, ये करोगे वो करोगे। इधर क्या हुआ सर, जब रोकने के लिए हम लोग कोशिश किए तो वो बता रहे हैं कि आपका नाम क्या, नाम अपना बताए मोहम्मद साबिर, तो वो कह रहे हैं कि आप सबको भड़का के लेके आए गांव समाज को, आपका एक नोटिस देंगे और अरेस्ट करवा देंगे, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, प्यार से कह रहे हैं मान जाओ नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है, ये गाड़ी तो चलेगा इस पर और तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे। क्या नाम है आप ही लोग का कब्रिस्तान है? अब आप लोग को कोई दूसरी जगह है नहीं, दूसरी जगह कहीं नहीं है इसके अलावा, अब इसको हटा दिया जाएगा तो फिर क्या करिएगा? ये हटा दिया जाएगा तो हम लोग मुर्दा को जो दफनाना है वो कहाँ दफनाएंगे, इसीलिए हम लोग विरोध करके कहीं जगह ले मांगना चाहते हैं। सीओ साहब जगह के बारे में बोले हैं, क्या बोले सीओ साहब? सीओ साहब बोले हैं कि जगह आप लोग को जब तक घोषित नहीं किया जाएगा तो तब तक ये नहीं टूटेगा और ये नहीं जोता जाएगा जी, ऊपर से आदेश हो चुका है, लेकिन ये जबरदस्ती आके ये कर्मचारी सर आके जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि काम करने दीजिए, आपको बाद में दिया जाएगा तो सर बाद में मिलेगा ही नहीं। आपको दिए हैं सारा कुछ सर, हो चुका है सारा अभी। हाँ अब बता दिन से कब्रिस्तान होगा सर? बहुत जमाने से है, बापो दादा के पुरखे से है, बापो दादा के पूर्वज से ये कब्रिस्तान जी, यानी आप अपने अकल से पहले से ये कब्रिस्तान है? हम लोग का पैदो नहीं है तभी से है, तभी से है। क्या नाम है? मेरा नाम जूही परवीन है।